बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करेंगे और कमोबेश ये कोई हाफ एक्सरसाइज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एफएससी मैथ पार्ट 1 में हम ये चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इस चैप्टर का नाम है। तो 10.1 तक हम ये यानी कि कर चुके हैं पहले, तो आएंगे 10.2 स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो फार्मूले आप इस्तेमाल करेंगे वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, कोज इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा, कोज अल्फ़ा कोज बीटा। तो एक दफ़ा मैं सारे जो फार्मूले हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसी तरह कोज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यह आ जाएगा कोज अल्फ़ा कोज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर आ जाएगा जी साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोज बीटा प्लस कोज अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह ये सारे फार्मूले जो है ना वो आपको याद होने चाहिए। साइन इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा है तो साइन अल्फ़ा कोज बीटा माइनस कोज अल्फ़ा एंड साइन बीटा। अब टेन पे आते हैं, तो टेन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये इक्वल होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा। फिर टेन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये इक्वल होता है टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा। तो ये जो छह फार्मूलाज हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, 10.2 एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे वन का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट साइन इनटू 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके इस पे जो है ना वो फार्मूला अप्लाई कर दें, साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो साइन इनटू 180 प्लस थीटा है तो ये आ जाएगा साइन 180 कोस थीटा प्लस कोज 180 एंड साइन थीटा। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 180 और बीटा की जगह पे थीटा है, तो फार्मूला लगा दिया साइन 180 जो है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो इंटू कोज थीटा। कोज 180 जो है ये माइनस वन होता है, तो माइनस वन इंटू साइन थीटा, यह आ जाएगा ज़ीरो माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा जो है ये हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाती है। तो जस्ट इन क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर वन टू पर जो है, बल्कि थ्री पर भी अपने फार्मूला जो है वो अप्लाई करते जाना है। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट देखिएगा, कोज इनटू 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोज थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में कोज इनटू 180 और प्लस थीटा, इस पे फार्मूला लगा दें कोज इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो ये बनेगा कोज 180 कोज थीटा फिर माइनस साइन 180 एंड साइन थीटा। कोज 180 क्या होता है, माइनस वन होता है, इसकी वैल्यू है कैलकुलेटर से भी आप लिख सकते हैं। साइन 180 जो है वो ज़ीरो है और ज़ीरो इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा माइनस ज़ीरो, तो माइनस कोस थीटा। तो यही जो है वो राइट हैंड साइड है जी। ओके, क्वेश्चन की इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में है हमारे पास टेन इंटू 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर जो है ना आप स्टार लगा लीजिएगा, ये थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन है।
कि जब मैं इस पे डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा तो 10^70 जो है ये अनडिफाइन होता है, ठीक है, 10^70 जो है वो अनडिफाइन होता है। तो इस पे आपने डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना, तो इसको आपने साइन ओवर कोस करके सॉल्व कर लेना है, यानी कि साइन इंटू 270 माइनस थीटा ओवर कोस इंटू 270 माइनस थीटा। अब ऊपर आपने साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है, और यहाँ पर कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा साइन 270 कोस थीटा माइनस कोस 270 एंड साइन थीटा ओवर, नीचे जो है वो कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, तो ये क्या बनेगा बेटा, कोस 270 डिग्री कोस थीटा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन 270 डिग्री और साइन थीटा। अब साइन 270 जो है वो कैलकुलेटर से आप निकालें वैल्यू, तो -1 होती है, कोस थीटा एज इट इज़, कोस 270 जो है वो 0 होता है, और साइन थीटा एज इट इज़ लिख देंगे, ओवर कोस 270 की वैल्यू 0 इंटू कोस थीटा, और साइन 270 जो है वो -1 इंटू साइन थीटा। ओके, ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा -0 ओवर 0 माइनस साइन थीटा, यानी कि ऊपर जो है वो माइनस कोस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो कोस ओवर साइन जो है ये आ जाएगा कोट थीटा, और यही जो है वो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, ये आप डायरेक्ट जो है वो अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू आता है तो हमें अलाइड एंगल से ही करना चाहिए। 270 है तो 10 जो है वो कोट में चेंज होगा, और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर राइट हैंड साइड ना दी हो, एमसीक्यू में आता है, तो आपको अलाइड एंगल से ही करना चाहिए। ओके, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर इस तरह से आपने फार्मूला जो है वो अप्लाई करने हैं। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, वो मैं लिखता हूँ, कोज इंटू थीटा -180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कोज थीटा। अब देखिएगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोज इंटू थीटा -180 डिग्री है, तो इस पर हम कोज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं, तो यह आ जाएगा कोज थीटा कोज 180, माइनस है कोज में तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा और साइन 180 डिग्री, यह आ जाएगा कोज थीटा कोज 180 जो है वो -1 होता है, प्लस साइन थीटा, और साइन 180 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। -1 को कोस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कोस थीटा प्लस 0, यानी कि माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। ओके, वेरी सिंपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद हम इसका जो है ना वो फिफ्थ पार्ट करते हैं जी। फिफ्थ पार्ट है, बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक आपने सामने रखनी है। ओके, और इस तरह से ये क्वेश्चन हम करते जाते हैं, ठीक है जी। तो कोज इंटू 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अलाइड एंगल से, तो बिल्कुल सिंपल है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो इस पे मैंने फार्मूला लगाया कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो ये आ जाएगा कोज 270 कोज थीटा माइनस साइन 270 एंड साइन थीटा। कोज 270 जो है वो 0 होता है, 0 इंटू कोज थीटा, साइन 270 की वैल्यू जो है वो -1 होती है, -1 इंटू साइन थीटा, तो 0 इंटू कोज थीटा 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 प्लस साइन थीटा जो है वो आ जाएगा साइन थीटा, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ओके, समझ रहे हैं बात, साथ साथ है ना आप लोग। चलते हैं जी अब आगे क्वेश्चन नंबर इसके सिक्स पार्ट पे। तो सिक्स पार्ट देखिएगा, तो साइन इंटू थीटा प्लस
270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला कौन सा लग रहा है ज़रा सोचें, आप सोचा भी करें अच्छा होता है। तो साइन इंटू टू थीटा प्लस 270 यानी कि साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा साइन साइन थीटा फिर कोस 270 ओके, फिर आ जाएगा प्लस कोस थीटा एंड साइन 270 डिग्री। साइन थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा और कोस 270 ज़ीरो प्लस कोस थीटा और साइन 270 की वैल्यू क्या होती है माइनस वन। तो ज़ीरो इंटू साइन थीटा ज़ीरो और माइनस कोस थीटा ओके, तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा जो कि राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की ओके। अब चलते हैं जी सेवन्थ पार्ट पे। सिंपल इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं एक एक पार्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली से हर क्वेश्चन जो है वो मिल जाए। टेन इंटू 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड टेन इंटू 180 प्लस थीटा, अगर टेन के साथ अगर एंगल में 270 डिग्री आ जाए तो आपने उस पर टेन वाला टेंजेंट वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना क्योंकि टेन 270 अनडिफाइन होता है। जैसे क्वेश्चन अभी हमने थर्ड पार्ट इसका किया है तो टेन इंटू 270 माइनस थीटा जब आए या 270 प्लस थीटा आए तो उसको साइन ओवर कोज मिल जाके जो है वो आप सॉल्व करें। अब इस पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि 180 है तो टेन 180 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन 180 एंड टेन थीटा। टेन 180 जो है ये कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, मेरा ख्याल है ज़ीरो होता है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं टेन 180 ज़ीरो है। तो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन 180 ज़ीरो और इनटू टेन थीटा, या जाएगा टेन थीटा ओवर 1 माइनस ज़ीरो, तो ये आ जाएगा टेन थीटा ओवर 1 यानी के टेन थीटा जो के राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की ओके। साथ साथ रहिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सेवन्थ पार्ट हमने कर लिए और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉरी क्वेश्चन 1 का ही एट्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट। देखिएगा कोज कोज इनटू 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोज थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ली कोज इनटू 360 माइनस थीटा, तो इस पर बेटा फार्मूला लगाएं आप कोज इनटू अल्फा माइनस बीटा वाला, तो क्या बनेगा ये, ये आ जाएगा कोज 360 कोज थीटा प्लस साइन 360 और साइन थीटा। कोस 360 की वैल्यू जो है मेरा ख्याल है कि 1 होती है, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से तो बिल्कुल 1 है ओके 1 आ जाएगी और कोस थीटा साइन 360 ज़ीरो होता है, 0 इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा और प्लस 0 और ये आ जाएगा कोस थीटा और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट पार्ट है साइन 15 डिग्री। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर कैलकुलेटर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने ये नहीं करना कि कैलकुलेटर पे लिखा साइन 15 डिग्री तो ये आंसर लिख देना है, आपने इस तरह से नहीं करना। हाँ चेक कर सकते हैं फाइनल आंसर के साइन 15 की का आंसर क्या आया है कैलकुलेटर से, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको इसको इस पे कोई फार्मूला अप्लाई करना होगा। और जैसे बुक पे हिंट भी उसने लिखा है कि 15 डिग्री है तो आप 45 मान 30 लिख लें, 105 है तो आप इसको 60 प्लस 45 लिख लें। तो इस तरह से पेपर में तो हिंट नहीं आएगा लेकिन बिल्कुल आसान, ये 15 डिग्री है तो मैं इसको 45 माइनस 30 लिख लेता हूँ,
45 माइनस 30 डिग्री, और इस पर अब हम फार्मूला जो है वो लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन 45 कोस 30, फिर माइनस कोस 45 और साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस कोस 45 होता है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, √3/2 √2 एंड माइनस 1/2 √2। एलसीएम लिया, √3 माइनस 1/2 √2, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो साइन 15 डिग्री को हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट पे, साथ साथ रहिएगा, एक एक पार्ट मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। वो है जी कोज 15 डिग्री, इसको भी उसी तरह से लिखें, कोज इंटू 45 माइनस 30 डिग्री। ओके, ये आ जाएगा कोज, इस पे फार्मूला लगाया कोज इंटू अल्फा माइनस बीटा वाला, तो ये आ जाएगा कोज 45 कोज 30 डिग्री प्लस साइन 45 एंड साइन 30 डिग्री। कोज के एंगल में माइनस आता है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना। ओके, तो अब हम कोज 45 को क्या लिखेंगे, 1/√2, कोज 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ओके, तो यह आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2 एलसीएम लिया, √3 प्लस 1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए साइन 15 डिग्री में यहाँ पर जस्ट माइनस आया था, √3 माइनस 1/2, ठीक है ना, ये वाला अभी हमने साइन 15 वाला किया क्वेश्चन। तो कोस 15 में जो है वो √3 प्लस 1/2 आया। तो इसको इस तरह से आप डायरेक्ट फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, एंटी टेस्ट में भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे अब टेन 15 है, टेन 15, तो इसको मैं भी लिखूँगा 45 माइनस 30 डिग्री, और इस पे फार्मूला लगाएंगे टेन इंटू एल्फा माइनस बीटा वाला, तो ये आ जाएगा टेन 45 डिग्री और माइनस टेन 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेन 45 डिग्री एंड टेन 30 डिग्री। ओके, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो आपने बोर बिल्कुल नहीं होना, साथ में कुछ खाते पीता रहा ही करें और साथ पढ़ते रहा करें, तो इस तरह से टाइम गुजारना चाहिए। तो टेन 45 जो है क्या लिखेंगे हम 1, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 30 हमारे पास आ जाएगा 1/√3 ओवर 1 प्लस टेन 45 1 और टेन 30 की वैल्यू 1/√3। अब मैं इसको ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ, √3 माइनस 1/√3, और नीचे जो है मैं इसको एक दफ़ा से इस तरह से लिख लेता हूँ 1 प्लस 1/√3। अब डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम ले लेते हैं, और ऊपर जो है वो √3 माइनस 1/√3 है, और यहाँ पर एलसीएम लें तो √3 प्लस 1/√3 है। अब ये जो √3 है ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, या ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इसका आंसर बनता है जी टेन 15 डिग्री का। ओके, ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो तो दोनों के डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं, या न्यूमिरेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं अगर सेम हो। ओके, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट पे, साथ साथ रहिएगा आप। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास साइन 105 डिग्री। अब 105 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 60 प्लस 45, तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाना है, तो ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री कोज 45 प्लस कोज 60 डिग्री और साइन
45 डिग्री। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें और सॉल्व कर लें। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वेयर रूट 3/2, स्क्वेयर रूट 3/2 होती है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 1/√2। यह आ जाएगा स्क्वेयर रूट 3/√2² प्लस 1/√2². इसका एलसीएम लिया तो स्क्वेयर रूट 3 + 1/√2². ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। ओके, तो फिफ्थ पार्ट देखें तो कोस 105 डिग्री, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कोस 60 + 45, ओके, तो कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं तो यह आ जाएगा कोस 60 कोस 45 माइनस साइन 60 एंड साइन 45 डिग्री। ओके, अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं कोस 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वेयर रूट 3/2, और साइन 45 1/√2 होती है। ये मल्टीप्लाई करें दोनों फ्रैक्शंस को तो 1/√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया स्क्वेयर रूट 3/√2। एलसीएम ले लें, 1 - √3/√2 आ जाएगा। ओके, समझ रहे बात आप। ओके जी, अब चलते हैं इसके सिक्स पार्ट पे। तो मैं अब आपको सिक्स पार्ट करवाता हूँ, वो है जी हमारे पास टेन 105 डिग्री। ओके, तो मैं इसको लिखूँगा टेन 60 + 45। ओके, तो इस पर फार्मूला लगाएं टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा टेन 60 डिग्री + 10 45 डिग्री ओवर 1 - 10 60 डिग्री एंड 10 45 डिग्री। ओके, अब 10 60 डिग्री क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट 3/1 होता है, स्क्वेयर रूट 3 10 45 1/ 10 60 जो है वो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ओके, स्क्वेयर रूट 3 आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, इसके बाद 10 60 की वैल्यू स्क्वेयर रूट 3 और 10 45 1, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू स्क्वेयर रूट 3 + 1/√3। ये इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक, समझ रहे बात, साथ साथ रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एक्सरसाइज 10.2 का हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलें जी, 2 मिनट आप रेस्ट कर लें, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है साइन इंटू 45 + α इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फा प्लस कोज अल्फा। ओके, अच्छा जी, अब हम इस पर फार्मूला लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा साइन इंटू 45 डिग्री + α। इस पर आप देखें बेटा, तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, साइन 45 कोज अल्फा प्लस कोज 45 और साइन अल्फा। साइन 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 कोज अल्फा। कोज 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 साइन अल्फा। अब इन दोनों में देखें तो 1/√2 जो है वो कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा कोज अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्या ये राइट हैंड साइड पर नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है, तो इसको मज़ीद आप अरेंज करके लिख सकते हैं कि 1/√2 साइन अल्फा पहले लिख लें और उसके बाद कोज अल्फा लिख लें, जो कि राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की। ओके, फार्मूले अगर आपको आते हैं तो फिर ये कुछ भी मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज, और वही 6-7 फार्मूले जो शुरू में मैंने लिखे हैं, 6 फार्मूलाज, वही बार बार अप्लाई होते जा रहे हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट जो है वो कोज इंटू अल्फा प्लस 45
इज़ इक्वल टू 1/√2 इंटू कोज एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा। देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड कोज इंटू एल्फ़ा प्लस 45 डिग्री। ओके, तो इस पर फार्मूला लगाते हैं कोज इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो ये आ जाएगा कोज एल्फ़ा कोज 45 माइनस साइन एल्फ़ा एंड साइन 45। ओके, कोस एल्फा कोस 45 क्या होगा, 1/√2 माइनस साइन एल्फा और साइन 45 क्या होगा, 1/√2। ओके, अब देखें तो इन दोनों में से 1/√2 जो है वो कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट, इसके भी टोटल जो है मेरा ख्याल है 5 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, टेन 45 प्लस ए, फिर टेन 45 माइनस ए इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लें जी और इसमें फार्मूलाज पुट कर दें, टेन इंटू 45 प्लस ए और टेन इंटू 45 माइनस ए। इस पर टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाना है आपने, और इस पर टेन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, क्या बनेगा ये, टेन 45 प्लस टेन ए ओवर 1 माइनस टेन 45 और टेन ए मल्टीप्लाई। यहाँ पर टेन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाया, तो टेन 45 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस टेन 45 और टेन ए। ओके, अब देखिएगा, टेन 45 वन वन प्लस टेन ए ओवर 1 माइनस टेन 45 वन वन इंटू टेन ए आ जाएगा, फिर टेन 45 वन और 1 माइनस टेन ए और टेन 45 वन वन इंटू टेन ए। ओके, तो 1 प्लस टेन ए इसे कैंसिल हो गया, 1 माइनस टेन ए इसे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, 1 राइट हैंड साइड। ओके, लो जी, अब चलते जाते हैं इसी तरह से, तो सेकंड पार्ट पर आए। सेकंड पार्ट है हमारे पास के टेन इंटू पाई बाय 4 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस थीटा एंड प्लस टेन इंटू 3π/4 प्लस थीटा, और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू -1 है शायद, ठीक है जी, इसको प्रूव कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, टेन इंटू पाई बाय 4 माइनस थीटा और प्लस टेन इंटू 3π/4 प्लस थीटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। दोनों पे अलग अलग जो फार्मूलाज हैं वो अप्लाई कर दें। तो देखें, हम इसको लिखेंगे टेन पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन पाई बाय 4 टेन थीटा, प्लस इस पर फार्मूला लगाएं टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा वाला, तो टेन 3π/4 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन 3π/4 एंड टेन थीटा। ओके, अब टेन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन पाई बाय 4 की जगह पे लिखा 1, तो इंटू टेन थीटा प्लस टेन 3π/4 जो है ना, टेन 135 होता है, तो कैलकुलेटर से भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा -1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन 3π/4 की जगह पे लिखा -1, -1 इंटू टेन
टेन थीटा, ये आ जाएगा वन माइनस टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन थीटा, ये बन जाएगा माइनस वन और प्लस टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा वन प्लस टेन थीटा, ये सेम है ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी वन माइनस टेन थीटा, ये सेम है ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी माइनस वन प्लस टेन थीटा। ओके, अब आप देखें टेन थीटा से माइनस टेन थीटा कैंसिल हो गया और वन माइनस वन से वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ज़ीरो ओवर वन प्लस टेन थीटा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर बुक पे जो है ना वो फोल्ड कुछ इस तरह से हुई है कि वो हमें मुझे राइट हैंड साइड मिल नहीं रही, लेकिन ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक किया है, मेरा ख्याल है कि राइट साइड पे ज़ीरो ही है। ओके, ज़ीरो ही है, इसको मैं फिर भी वेरीफाई कर लूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं दोबारा क्वेश्चन करवा दूँगा। ओके, तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो मैं लिखता हूँ आपके सामने। थर्ड पार्ट है हमारे पास के साइन इनटू थीटा प्लस पाई बाय सिक्स एंड प्लस कोज इनटू थीटा प्लस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू कोज थीटा। तो इस पर हमने फार्मूला लगाना है लेफ्ट हैंड साइड लेकर, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा साइन इनटू थीटा प्लस पाई बाय सिक्स प्लस कोज इनटू थीटा प्लस पाई बाय थ्री। इस पर फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोज पाई बाय सिक्स प्लस कोज थीटा एंड साइन पाई बाय सिक्स प्लस, इस पर फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा कोज थीटा कोज पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री एंड माइनस साइन थीटा एंड साइन पाई बाय थ्री। इस पर हमने कोज इंटू अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाया। अच्छा जी, अब आप देखें तो साइन थीटा वैसे आ जाएगा कोस पाई बाय सिक्स, कोस ये 30 डिग्री होता है, तो कोस 30 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी स्क्वेयर रूट 3 बाय 2 प्लस कोस थीटा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1 बाय 2 ओके प्लस कोस थीटा, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1 बाय 2, पाई बाय 3 जो है ना 60 डिग्री होता है ना, तो कोस 60 1 बाय 2 माइनस साइन थीटा, और साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वेयर रूट 3 बाय 2 ओके। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वेयर रूट 3 बाय 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 कोस थीटा, फिर प्लस 1 बाय 2 कोस थीटा, और माइनस स्क्वेयर रूट 3 बाय 2 साइन थीटा। अब आप ज़रा गौर करें तो स्क्वेयर रूट 3 बाय 2 साइन थीटा और माइनस स्क्वेयर रूट 3 बाय 2 साइन थीटा दोनों सेम है। ओके, तो मैं इन दोनों में से 1 बाय 2 या कोस थीटा कॉमन ले लें, कोस थीटा कॉमन लिया तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, इन दोनों को ऐड करें तो प्लस 1 आ जाएगा। ओके, यानी कि 1 प्लस 1 ओवर 2 और कोस थीटा 2 ओवर 2 कैंसिल हुआ, तो 1 बचेगा, 1 इंटू कोस थीटा जो है वो कोस थीटा आ जाएगा, और यही जो है वो राइट हैंड साइड। ओके, वेरी सिंपल है, क्वेश्चन पे फार्मूले लगाते जाएं, कैलकुलेशन करते जाएं, तो धड़ाधड़ क्वेश्चन होते जाएंगे और बिल्कुल सही होते जाएंगे क्वेश्चन। ओके जी, अब देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का, साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल बोर नहीं होना, साथ आप चिप्स और कोई चीज़ें खाते रहे पीते रहा करें, पढ़ते भी रहा करें, सही है, तो दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड टेन थीटा बाय टू इज इक्वल टू टेन थीटा बाय टू, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हाफ एंगल भी आ रहा है और सिंगल एंगल भी आ रहा है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और टेन थीटा बाय टू ओवर कोस थीटा प्लस
साइन थीटा और टेन थीटा बाय टू। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस क्वेश्चन में क्या चेंज करें कि हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो बन जाए। एक ही तरीका है, कोई फार्मूला तो यहाँ पे नहीं लग रहा, यानी कि साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, या इस तरह का कोई फार्मूला नहीं बन रहा। टेन को हम साइन ओवर कोज में ले चेंज करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोज थीटा, और टेन थीटा बाय टू को लिखा मैंने साइन थीटा बाय टू ओवर कोज थीटा बाय टू, ओवर डिनोमिनेटर में मैंने लिखा कोज थीटा प्लस साइन थीटा, और टेन थीटा बाय टू में मैंने लिखा साइन थीटा बाय टू ओवर कोज थीटा बाय टू। ओके, अब अपने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में अलहदा अलहदा जो है ना वो एलसीएम ले लेना है। जब मैंने ऊपर एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, कोस थीटा बाय टू, और इसके नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में वन है, इसके नीचे भी वन है, तो ये अब कोस थीटा बाय टू साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन थीटा कोस थीटा बाय टू, ये सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, और माइनस कोस थीटा और साइन थीटा बाय टू ओवर। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम भी कोस थीटा बाय टू आ रहा है, तो कोस थीटा बाय टू कोस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ जाएगा कोस थीटा एंड कोस थीटा बाय टू। कोस थीटा बाय टू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, यानी कि साइन थीटा एंड साइन थीटा बाय टू। ओके, ये थीटा बाय टू है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है, कोस थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू। अब ऊपर देखें तो ये साइन अल्फ़ा, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो ये मैं लिखता हूँ साइन थीटा कोस थीटा बाय टू माइनस कोस थीटा एंड साइन थीटा बाय टू ओवर कोस थीटा, फिर कोस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा बाय टू। अब हम ज़रा गौर करें तो न्यूमिरेटर पे फार्मूला कौन सा बन रहा है, ज़रा गौर करें, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इंटू थीटा माइनस थीटा बाय टू ओवर। यहाँ पर देखें तो कोज अल्फ़ा कोज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोज इंटू थीटा माइनस थीटा बाय टू। ओके, अब यहाँ पर अपने एलसीएम लेना है तो मैं यहीं पे कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि एक ही पेज के ऊपर आपको अच्छे से नज़र आ जाए। इसका एलसीएम लें तो क्या बनेगा, साइन टू थीटा माइनस थीटा ओवर टू ओवर, या जाएगा कोस टू थीटा माइनस थीटा ओवर टू। एलसीएम ले लिया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वन था, तो टू थीटा माइनस थीटा ओवर टू, फिर टू थीटा माइनस थीटा बाय टू, तो ये क्या बनेगा साइन थीटा बाय टू ओवर कोस थीटा बाय टू। तो साइन ओवर कोस किसके इक्वल आएगा, टेन के, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बाय टू, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ओके जी, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से आपने समझना है, तो कोशिश की है कि आपको समझा सकूँ, सिंपल मेथड से आपको गाइड कर सकूँ, सही है। तो देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर फोर के फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। तो ये भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वन माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर वन प्लस टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू कोज इंटू थीटा प्लस फाई है, और कोज इंटू थीटा माइनस फाइव। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें
लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा एंड टेन फाई। इसमें देखें तो 1 माइनस टेन की जगह पे मैंने लिखा साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ब्रेक करेंगे, और टेन फाई को मैंने लिखा साइन फाई ओवर कोस फाई। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से यह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और टेन फाई को मैंने लिखा साइन फाई ओवर कोस फाई। ओके, अब जो है ना आप एलसीएम ले लें तो इस वन के नीचे भी आप 1/1 लिख सकते हैं, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। तो ऊपर एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई जो है इस वन से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, कोस थीटा कोस फाई। फिर ये कोस थीटा कोस फाई दोनों सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा और साइन फाई ओवर, यहाँ पे आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई। सही है, साथ साथ रहिएगा बिल्कुल। अब कोस थीटा कोस फाई वन से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले रहा हूँ कोस थीटा कोस फाई, अब ये दोनों सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, और साइन थीटा एंड साइन फाई। ओके, अब आप देखें तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस फाई से कोस फाई कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमिरेटर में क्या बचा हमारे पास, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई ओवर कोस थीटा कोस फाई और प्लस साइन थीटा साइन फाई। ओके, सिंपल फार्मूला है कोज अल्फ़ा कोज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला, और ये है कोज अल्फ़ा कोज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोज इंटू थीटा प्लस फाई लिख सकता हूँ, और इसको मैं कोज इंटू थीटा माइनस फाई लिख सकता हूँ, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो इधर माइनस आएगा, और यही क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड है। ओके, यही देखें, लो जी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसके 5 पार्ट थे वो ख़त्म होता है, और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि शो दैट कोज इंटू अल्फा प्लस बीटा कोज इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर बीटा एंड माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। ओके, अच्छा जी, अब आप देखें तो इधर से आपने पहले ये बनानी है साइड कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, फिर इससे ये वाली साइड बनानी है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास कोज इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड कोज इंटू अल्फा माइनस बीटा। इस पर फार्मूला पहले लगाएं, क्या बनेगा, कोज अल्फा कोज बीटा, फिर है जी ये माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। अब हम जो है वो इस पर फार्मूला लगाते हैं, तो कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ओके, अब आप देखें तो ये कोज अल्फा कोज बीटा सेम है, साइन अल्फा साइन बीटा सेम है, तो अलजबरा का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएं, तो ये बन जाएगा कोज अल्फा कोज बीटा का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस और साइन अल्फा और साइन बीटा का होल स्क्वेयर। ओके, यानी कि मैं इसको अब लिख सकता हूँ अलहदा अलहदा स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर अल्फा कोस स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा और साइन स्क्वेयर बीटा।
लेकिन अभी तक जो है ना हमें हमारी जो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है वो नहीं बन रही। अब राइट हैंड साइड में पहले मैं इसको देखता हूँ तो कोस स्क्वेयर अल्फ़ा चाहिए, साइन स्क्वेयर बीटा चाहिए, तो कोस स्क्वेयर बीटा नहीं चाहिए और साइन स्क्वेयर अल्फ़ा भी नहीं चाहिए, सिर्फ अभी मैं इसको देख रहा हूँ। ओके, तो मैं कोस स्क्वेयर बीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी लगाएं, मैं इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा इज़ इक्वल टू 1 होगा। तो वहाँ से मैं कोस स्क्वेयर बीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा आ जाएगी। अब साइन स्क्वेयर बीटा तो मुझे चाहिए, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, और साइन स्क्वेयर अल्फ़ा नहीं चाहिए, इसको मैं कोस स्क्वेयर में चेंज करता हूँ। तो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा। ओके, अब कोस स्क्वेयर अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा कोस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा को साइन स्क्वेयर बीटा से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा कोस स्क्वेयर अल्फ़ा और साइन स्क्वेयर बीटा, साइन स्क्वेयर बीटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन स्क्वेयर बीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और कोस स्क्वेयर अल्फ़ा एंड साइन स्क्वेयर बीटा आ जाएगा। ओके, अब आप देखें कोस स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर बीटा प्लस का और ये माइनस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर बीटा, ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, कोस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा। क्या यही साइड हमें चाहिए थी, यही वैल्यू चाहिए थी, और ये मिल गई है। अब यहाँ से हमने ये जो है वो प्रूव कर लेते हैं, और अब हमें कोस स्क्वेयर अल्फ़ा नहीं चाहिए, साइन स्क्वेयर बीटा नहीं चाहिए, तो कोस स्क्वेयर अल्फ़ा को मैं साइन स्क्वेयर में चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा लिख सकता हूँ, फिर साइन स्क्वेयर बीटा की जगह पे आइडेंटिटी लगाएं तो मैं इसकी जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वेयर बीटा लिख सकता हूँ, तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया -1, माइनस माइनस प्लस एंड कोस स्क्वेयर बीटा, यह आ जाएगा हमारे पास -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और -साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा। तो मैं इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि कोस स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, और ये हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड ये बन रही है। ओके, तो पहले हमने ये प्रूव किया रिज़ल्ट, वहाँ से ये रिज़ल्ट निकालना तो ज़्यादा आसान था। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने किए डिस्कस। अब जो है हम हिम्मत करते हैं और एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी, के शो दैट कोस साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इनटू अल्फा माइनस बीटा ओवर कोस इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस कोस इनटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड लेकर और इसमें वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले जो हैं वो पुट कर दें, साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इनटू अल्फा माइनस बीटा ओवर कोस इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस इनटू अल्फा माइनस बीटा, चारों फार्मूले जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। इस पर फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, इस पर फार्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा एंड माइनस कोस अल्फा साइन बीटा ओवर, यहाँ पे फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, यहाँ पर बेटा फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। अब देखिए सेम वैल्यूज कट हो रही हैं, कोस प्लस कोस अल्फा साइन बीटा और माइनस कोस अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो रहा है,
माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है साइन अल्फा कोस बीटा, ये दोनों ऐड हो रही हैं तो ये आ जाएगा टू साइन अल्फा एंड कोस बीटा ओवर कोस अल्फा कोस बीटा दोनों सेम है तो ये ऐड कर लें तो ये बनेगा टू कोस अल्फा एंड कोस बीटा। अब यहाँ पर आप देखें तो टू से टू कैंसिल हो रहा है, कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा, तो साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा को क्या कहते हैं टेन अल्फा कहेंगे और ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन सिक्स तक जो है एक्सरसाइज हमने 10.2 जो है वो डिस्कस की। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाजमी जो है वो मुझसे शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें। तो बाकी इंशाल्लाह ये जो मैं रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।